Okay, so what are we trying to do now last time? So good thing is, you all are sending me some stuff, which is good, I appreciate that. So it means you all have started learning, you all have started reading, or uh, okay, the book that she suggested, this is coming from Nargis, and... Uh, she is suggesting the book which is said getting to yes negotiating agreements without giving in right topic kaisa lag raha hai acha lag raha hai okay so let's move forward so aap logo mein se jisko bhi na raise the hand in the because aap logo ko aisa aata hai na hath raise karna hai uske andar zoom ke andar right so i can look into that Okay, let's move forward. Where I'm trying to find the. Where is the whiteboard? Okay, here is the whiteboard. And let's start with whiteboard. Classic whiteboard. Okay, can you all see the whiteboard? Can I have thumbs up? Okay, so the book name is. The Zoom link. Yeah. बुक नेम इज दुक ने किसी को भी ये कैसे करवाना ठीक है सो so, यस कैसे करवाना लेट्स टॉक अबाउट इट बुक पढ़े उससे पहले हम आपस में तो अपने गुरु लोगों से बात करें यू नो यू ऑल आर सीव स्पेंड यूर लाइफ कैसे यस करवाते हैं शरीफा ख्वाजा से स्टार्ट करते हैं व्हाट्स योर गो टू स्ट्रैटेजी अपना अपना गोड़ बताओ यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ अनम्यूट नहीं हुआ ओके okay. इसको अप्रिशिएट करो कि तुम बहुत अच्छी हो तुम ये करती हो तुम ये करती हो तो इसको अप्रिशिएशन देंगे तो वो वट ही इसको किसी चीज के लिए यस बोलना होगा तो वो यस कर लेगी ओके, तो लीड्स यस। अप्रीसी नंबर वल्यानी आपका क्या ट्रिक है भाई अच्छा बोलो तो अच्छा बोलेंगे <laughs> बुरा नहीं बोलो बुरा नहीं सोचो अच्छा बोलो। बोलोगे ah, अच्छा सोचो पॉजिटिव सोचो, सोचो। नेगेटिव नहीं एंड काइंड वर्ड्स लीड्स टू यस हाँ ना। सही है ना मैं तो अच्छा सोचती हूँ हमेशा <laughs> आगे क्या होगा अच्छा सब अच्छा हुँगा? मैं सबको बोला मोला सब अच्छा करेगा <laughs> नसीम अशरफ रतानी क्या बोलती हैं यस कैसे करवाते हो सबका अलग अलग होगा ठीक है एक दूसरे को कॉपी नहीं करना हुँ. कोई चीज़ के ना तारीफ करना है कि ये चीज बहुत अच्छी है बहुत फायदेमंद है ये है वो है इस से अपन बोलेंगे ना तो वो सामने वाला समझ जाएगा

स्पेशलीव इिंग ऐसी होती है सच सच हाथ उठाओ येस और नो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है खुदा ये पसंद करता है कि नहीं करता है बींग ऑनेस्ट इज से तो इसको मैं थोड़ा सा टिक लगाता हूँ और यहाँ से एक एक्सटेंशन निकालता हूँ और एक्सटेंशन ऐसा है कि एप्रिसिएशन होना चाहिए ऑनेस्ट ठीक है ना ये बात बोली नरगिस ने लेट्स क्लैप फॉर हर जबरदस्त राइट तो अब ऑनेस्ट एप्रिसिएशन नहीं होगा तो क्या समझो नसीम चुनारा का बोलो खाना बहुत अच्छा बनाते हो नसीम अपना जबरदस्त खाना भेजा अब नसीम को पता है नसीम अच्छा नहीं बनाती तो उसको पता है ये फेंक रहा है ये फ्लैटर कर रहा है या तो आप बोलोगे ओह नसीम यू you नो know, जबरदस्त आपका हिस्ट्री का नॉलेज क्या जबरदस्त अब नसीम को बताया और मेरे को तो हिस्ट्री से मैं भागती हूँ ये झूठ बोल रहा है राइट पकड़ लिया राइट बड़ा बोलो नहीं यार वो जो पीएचडी किया इस्लामिक स्टडीज में वो आपकी लाइफ में दिख रहे आते हुए ना तो कल आप चेंज कर रहे हो और डोमिनेट हो गए अपनी फील्ड में माशाल्लाह यू आर डूइंग यूंग हाँ यार इसको तो ये भी पता है इस्लामिक स्टडीज में किया है हाँ यार ये तो इस्लामिक की बात कर रहा है मेरा भी पी एच डी ही नोज अबाउट इट बिल्कुल सच ही बोल रहा हूँ मैं तो वैसे ही अच्छी हूँ हर आदमी को हर आदमी अच्छा लगता है ये और नो रेज योर हैंड्स राइट तो थोड़ा सा ऑनेस्टी की तरफ एप्रिसिएशन होगा ना तो सामने वाले के लिए यकीन करना आसान होगा फर्जाना क्या बेनिफिट ठीक है हमारा प्रॉब्लम पता है क्या होता है से फॉर एग्जाम्पल लो एक लड़के बच्चे की प्रोफेशनल की जो के अपना क्वालिफाइड इंटरव्यू देने गया है राइट उसका रिज्यूम है पांच हजार दस हजार लोगों में शॉर्टलिस्ट हुआ ने दस को बुलाया बोला नाउ कम फॉर द इंटरव्यू फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनी में अब दस बच्चे आगे खड़े हैं दस गुड लुकिंग है यू नो

जबकि दोज हु आर आंट्रप्रिनोर्स बिजनेस वाले जो लोग हो आप में से वो ये समझो कि के, के जब बच्चा बोलेगा कि यार ठीक है आई एम फ्रॉम हमल बैकग्राउंड मेरा अच्छा रहा जी पी ए कुछ अच्छा रहा कुछ नहीं रहा कहीं मैं ग्रेड्स लो भी हुए कहीं अच्छे भी हुए ऑनेस्टी आ रही है राइट लेकिन मेरे पास ये 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 तीन चीज़ें जो कि आपके बिजनेस को जरूरत है क्योंकि मैंने स्टडी किया कि आपके बिजनेस में ये थोड़ा सा स्लो हो गया है जबकि ये स्ट्रेंथ था तो सामने वाले को समझ आएगा हाँ ये वो पर्सन है जो मेरा काम सॉल्व करेगा क्या बोलते हो आप लोग कितने लोग पहले वाले को हायर करेंगे जो अपने गुण रहा है वर्सेस कितने लोग दूसरे को हायर करेंगे जो उसके हिसाब से बात कर रहा है रेज यू हैंड्स ठीक है दूसरे वाले को तो तो ये बात हमें हमेशा बात करते हुए भी, भी ध्यान रखनी अब सोचो आपका लास्ट कॉन्वर्जेशन सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्वर्जेशन आपका किससे हुआ था चाहे आपके स्पाउस से हुआ हो जिसको आप टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हो क्या कह सकते हैं कोई बात नहीं राइट लेकिन आपके खिदमत में हुआ किसी से राइट अब और सारे लोग लो हाजिर होंगे छोड़ो ना स्पाउस से भी, भी सोचना है बात करते हैं कि इतने साल हो गए बाद सफेद हो गए हमारे अब हमारे को बताओगे कैसे बात करना है राइट लेकिन सोचो ठीक है हो सकता है लॉन्गेस्ट कॉन्वर्जेशन से सोचो उसमें जो बात हुई थी वॉट वर योर मोटिव वर यू टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ ओनली या आप सामने वाले को किसी लास्ट फ्रेंड से कब मिले थे जो काफ़ी टाइम बाद हुआ हो कॉल किया हो व्हाट्सएप किया हो आपने अपनी बात बताने की कोशिश की कि मैं ये थी वो थी वो थी अब ये हो गई वो हो गई वो हो गई या आपने बोला नहीं यार तू कैसी है क्या कर रहा है क्या चल रहा है क्या मसला था वो सॉल्व हुआ नहीं हुआ मैं ये कर रही हूँ शायद मैं तेरे को हेल्प कर सकती हूँ यू नो हाउ कैन आई बी ऑफ वैल्यू टू यू सो साइमन साइने एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है जो कि फॉर्चून फाइव कंपनीज को पढ़ाता है वो ये कहता है लोगों को फतेह करना है ना लोगों को जीतना है सो दिस इज द प्रिंसिपल इन वन लाइन लिख लो इसको हाउ कैन आई बी ऑफ वैल्यू टू यू ठीक है ये बुक से हट के हम देखते हैं बुक के अंदर क्या बात हो रही है बट ये बुक से हट के कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं रेज यू हैंड्स परवीन अली एग्जाम्पल देखे बताओ हाउ केन आई बी ऑफ वैल्यू टू यू दो लोग बात करते हैं ठीक है, तो अच्छा है राइट किसी और की बात नहीं कर दो तो, आप जो किसी का अप्रिसिएशन कर रहे हो ना तो ऐसा नहीं हो मुड़ के देखे अड़े बात कर रहे किसी और की बात मतलब पीपल शुड बी एबल टू को रिलेट विद्स राइट तो ये जो फेक इट मेकट की कहानी है ना वो फेक इट का मतलब है कि जब तक झूठ बोलो जब तक दिखावा करो फेकट का मतलब दिखावा करो जब तक वो सच नहीं हो जाता तो अब क्यों आपने देखा होगा अमेरिकन लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं कि एक लाख डॉलर की सैलरी चाहिए तो एक लाख डॉलर का खर्चा पहले बढ़ा लेते हैं कार्ड को ऐसे भी खींच रहे हैं वैसे भी खींच रहे हैं कार्ड में सेवाधार यही है बस कर जाओ ख़त्म हो गया राइट उसके बाद पता चलता है डेट में चले गए एंड सो फेक इट मेक इट पॉजिटिवली कैसे यूज़ किया है ऑथर्स ने लोग नेगेटिवली भी यूज़ करना शुरू कर दिए फेक इट मेक इट का मतलब है कि आपको डायरेक्टर बनना है यू आर राइट नाउ आर मैनेजर यू स्टार्ट ड्रेसिंग अप लाइक द डायरेक्टर तो आपके लिए प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं यू you नो know, आप मैनेजर हो आप बोलो यार मैं डायरेक्टर लेवल का काम क्यों करूं वो ज्यादा है आप अभी से ज्यादा काम करना शुरू कर दो आपको कुदरत खुद न खुद डायरेक्टर बना देगी यस और नो राइट आप इंस्टीट्यूशन में और सेवा में वो, आप बोलो यार मैं तो कोऑर्डिनेटर हूँ मेरे को तो इंचार्ज होना चाहिए था मेरे को तो कोई देखता ही नहीं है चेयरपर्सन के लिए इतने टाइम से राइट उसको बना दिया उसको बना दिया आप वो छोटे से रोल में सेवादारी के चेयरपर्सन वाला काम करना शुरू कर दो सौ गुना तेज आपको कुदरत वहां नहीं बनाएगी तो कहीं और बना देगी चेयरपर्सन यस और नो राइट सो फेक इट यू मेक इट का ये पॉजिटिव डायरेक्शन था तो हम लोग बहुत दफा नेगेटिव फेक इट इट यू मेक का सोचते हैं कि यार दिखावा करो ताकि लोगों को लगे वी आर सो बिग वो ब्रोक होने की स्ट्रेटेजी है वो डिप्रेस्ड होने की स्ट्रैटेजी है बिकॉज होता क्या है आपने देखा होगा यूट्यूबर्स बहुत सारे अः एंड दिस इज समथिंग अ वेरी बिग फैक्ट के वो लैमबीनी और बड़ी बड़ी गाड़ियां रेंट अ कार करके अपना लाइफस्टाइल दिखा दे ताकि पीपल कैन वॉच भी पता है दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है आज की तारीख में देट आप उसको फेक इट करोगे और उसको फेक इट में आ जाएगी समझ रहे हैं तो फेक इट अपने आप के लिए कहा गया कि आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा बनाओ अच्छा इससे एक बहुत कनेक्टेड है देर वॉज अ वेरी बिग साइकोलॉजिस्ट जिसने ऋतिक रोशन को कोविड के टाइम पे डिप्रेशन से बाहर निकाला था एंड ही इज वेरी एक्सपेंसिव वन दोनों हस्बैंड वाइफ है एंड आई वाज ऑफ द डॉक्यूमेंट्री तो उसने ये कहा कि ये डिप्रेशन से निकालने के लिए आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते अब डब्ल्यू मर्सिडीज बट योर टोटा कैमरी डज नॉट मेक यू फील रिच आप बड़ी गाड़ी बाय करते हो राइट आप बड़े ब्रांडेड क्लोथ बाय करते हो एंड दिस इज नॉट जस्ट इन यंगस्टर्स दिस इज एक्चुअली इन एवरी एज आपको तेईस साल का बहुत सिंपल हैपी गोइंग लड़का लड़की मिल जाएगा और आपको सिक्सटी सिक्स का बहुत ज्यादा ब्रांडेड टाइप कॉन्शियस सीनियर मिल जाएगा एम आई राइट येस नो रेज यू हैंड्स राइट सो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ फोबिया तो ऑथर ये कहता है कि वो लोग जो फेक इट यू मेक इट में जिंदगी गुजार देते हैं ना लोगों को दिखाने के लिए कि ओ आई एम समथिंग सो आई नीड टू मेंटेन द स्टेटस सिंबल वो ऊपर से हैप्पी होते हैं और अंदर से सीवियरिटी इन डिप्रेशन चले जाते हैं ये बात समझ आ रही है तो ये लोग दुनिया के नज़र में बहुत खुश होंगे और शायद लोग इनकी मिसाल देंगे बट ये अंदर से डिप्रेस होंगे बिकॉज ये स्प्रिट पर्सनैलिटी में जी रहे होते हैं राइट right? इनका ज़ाहिर कुछ होता है इनका बातन कुछ होता है इसलिए अब देखो कितनी बड़ी बात है यू नो वेन यू ऑलवेज कनेक्ट द साइंस एंड गॉड दॉन्ग खुदा कहता है मैं हिपोक्रेट को पसंद नहीं करता लिख लो खुदा कहता है आई हेट इट पसंद तो दूर की बात वो कहता है आई हेट इट हिपोक्रेट कौन होता है डेफिनेशन निकालते हैं ठीक है मैं निकाल के देता हूँ ताकि हमको समझ आ जाए प्रॉपरली हु इज अपोक्रेट आप लोग भी लिख लो इसको बिकॉज दिस इज समबडी हु गॉड हेट्स क्या हम चाहते हैं कि हम खुदा की हेट लिस्ट में आए या फेवरेट लिस्ट में आए रेज योर हैंड्स राइट तो हमने कहा ना कि एम्पावरमेंट का मतलब ही है कि वी इवेल्यूएट आर हमने खुद अच्छे हो गए दुनिया अच्छी हो जाएगी यही है ठीक है तो दुनिया को हम सुधारने नहीं चले हम अपने आप को बेहतर बनाने चले राइट सो हिपोक्रेट का मतलब है एक मिनट आपका मसला ही सोल्व कर दिया अब आप देखो आधे से ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे लेकिन इसी मसले में जी रहे हैं। कि उनका बिलीफ सिस्टम कुछ और होता है बट वो कर कुछ और रहे होते हैं दुनिया को खुश करने के लिए तो यू आर अपोक्रेट आपको पता है मे बी शायद हम सभी इस डेफिनेशन पे हिपोक्रेट है आई एम सॉरी यू माइट बी ओफेंड लेकिन मैं तो सोचता ही नहीं ना ऑफेंड करते हुए राइट मुझे तो बोनस मिला हुआ है ऑफेंड करने के लिए राइट क्योंकि okay, मैं तो कोच कोचू लेकिन शायद हम सब हिपोक्रेट है रेज योर हैंड्स ऑनेस्टली हाथ उठाना क्या हम हिपोक्रेट है एट एनी पॉइंट इन टाइम येस और नो हम सब हिपोक्रेट है रेज योर हैंड्स ठीक है और अपने आप को शाबाशी दो जो रियलाइज कर चुके हो बिकॉज जो नहीं किए हो इसका मतलब है अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो राइट तो चेंज होने के लिए जो पहली शर्त होती है ना वो होती है कि अपनी गलती को रियलाइज कर लो राइट right? तो हम सब हिपोक्रेट क्यों है अब हमें ये देखना है क्योंकि हमको लगता है कि द वे वी आर इफ पीपल सी अगर लोगों को पता चल जाए हम क्या सोचते हैं तो शायद लोग हंसेंगे अगर लोगों को पता चल जाए कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं तो लोग बोलेंगे ओ यू आर टू ऑब्सोलेट यू आर टू बोर यू आर नॉट दैट कूल यस और नो राइट तो हमें लोग बोलेंगे नहीं यार यू आर द ओल्ड स्कूल यू नो ऐसा सोचते हो आप राइट right? तो हमको हर चीज में इनसिक्योरिटी होती है तो रूट कॉज पता चला कि इंसान हिपोक्रेट बनता क्यों है ये ढूंढना जरूरी है एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट था जिसने एक एग्जाम्पल दी इसको लिख लेना एंड दिस माइट हेल्प यू ऑल एज अ सीनियर टू स्टॉप इफ दिस है बहुत कॉमन है तो बच्चे ने गलती की माँ बाप ने बोला कि बड़ा झूठ बोला यू नो यू लाइड बोला तुम झूठ बोला बोला नहीं आई डिड नॉट लाइट बोला नहीं तुमने झूठ बोला बोला नहीं आई डिड नॉट बोलाइट बोला तुमने झूठ बोला बोला नहीं ओके ओके बोला कॉल द नेबर तुम्हारे साथ कौन खेल रहा था तुमने ये किया तुमने झूठ बोला बोला नहीं आई डिड नॉट लाइट उसको बुलाओ प्रूफ करो इसने किया था हाँ इसने किया था देखा था, मैंने बोला तुमने झूठ बोला राइट बोला अच्छा तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो कब तक तुम नहीं मानोगे कि झूठ नहीं बोला ओके कॉल द वॉचमैन कॉल द सिक्योरिटी क्या किया तुमने कैसे गिरा हाँ तुमने धक्का दिया उसने धक्का दिया ठीक तुमने झूठ बोला झूठ बोला उसने बोला आपने इसको रियलाइज तो करा दिया चार सौ चालीस दफा झूठ बोल के बट आपने उसका करेक्टर खत्म कर दिया नेक्स्ट टाइम वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा राइट right? वर्सेस अगर वो झूठ बोल रहा था और आपको पता चल गया लिख लो दैट यू हैव लर्नड इज लाइन उसको बताओ ही नहीं बच्चे को कि तुम झूठ बोल रहे हो बोलो अच्छा ठीक है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो यार मसला थोड़ी है आपको पता चल गया ना आप बड़े हो आप मिनटो और हो राइट आप ये देखो उसने झूठ बोला क्यों उसको क्यों जरूरत पड़ी झूठ बोलने की क्यों क्योंकि वो आपसे डरता था आपको लगा था आप डांटोगे आप मारोगे डांट आप मारो पिटाई करोगे मार तो सकते नहीं नाइन वन वन राइट सो आप डांटोगे आप स्कोल्ड करोगे आप कुछ बुरा बुला बोलोगे फाइट करोगे राइट कुछ उसके लिए बेनिफिट्स रोक दोगे उसका वेकेशन रोक दोगे उसको ले जाना ट्रैमपुर पार्क में ले जाओगे अगले हफ्ते जो भी एक्सवाइज एबीसी उसने बोला बड़ा भी ऐसे ही होता है बच्चे ऐसे नहीं होता तो हम जब रियल लाइफ में एक दूसरे को गलत साबित करने की रेस में लग जाते हैं ना तो हमारा रिलेशन खत्म हो जाता है राइट ठीक है तुमको पता चल गया वो गलत है अब वो बड़ा हो गया उसकी ईगो और बड़ी हो गई है लास्ट टाइम हमारी क्लास ईगो थी यस और नो डू यू रिमेम्बर दैट कितने लोगों को याद है राइट right? बहुत सारे नहीं आते लेकिन रिकॉर्डिंग देखते हैं सब तो उसने कहा कि जितना बड़ा ईगो होगा उतना बड़ा झूठा होगा आदमी डू यू आर अग्री विद द पॉइंट यस और नो आप तो समझ आए है, हम झूठ क्यों बोलते हैं सो so, ये इम्पावरमेंट है जब इमाम बोलता है ना फिलोसफी पढ़ो तो हमको लगता है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि फिलोसफी हैज़ ऑलवेज बिन बोरिंग बट हम जैसे पढ़े हमको समझ आ गया तो हम लिख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लायर्स आर हाई ऑन ईगो हमको समझ आ गया

टेन डॉलर का बार्गेन करके लेता हूँ मैं तो हंड्रेड डॉलर का पहनता हूँ राइट ये तो जस्ट एन बोलता है या अगर हम सब हिपोक्रेट बन गए सोसाइटी में ठीक होमाम सेव इन देश बट डोंट अटैप ऑल द वैल्यूज ये सो नो सुना है वो बात ठीक है उन्होंने कहा स्ट्रेंथ पिक कर लो वीकनेस पिक ना करो हर माशरे में सारी चीज़ें स्ट्रेंथ नहीं होती है कुछ चीज़ें ईस्ट से आप लोग आए हो वहाँ भी स्ट्रेंथ है कुछ बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी वीकनेस है तो अपनी स्ट्रेंथ्स को पकड़ो वीकनेस ख़त्म करो दूसरे की भी स्ट्रेंथ को पकड़ो और वीकनेस को छोड़ दो मगर खुदा ये कहता है कि वीकनेस को वीकनेस मानोगे तभी दूर हो ना तो so, कुरान में क्या है स्टेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी खुदा कहता है कि ओके तुम गलत होता हुआ देख रहे हो तो उसको जाके रोको चाहे तुम्हें उससे लड़ाई करनी पड़े राइट तुम कमजोर हो तुमको डर लगता है उसको जाके समझाओ कि तुम गलत करो तुमको उससे भी डर लगता है ओ, लोग क्या बोलेंगे सोसाइटी में आ, मैं किसी छोटे आदमी का साथ दे रहा हूँ यू नो इज अग गाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट मैं तो सोशली नहीं बोलूंगा ठीक है दिल में बुरा मानो दिल में बुरा मानना जरूरी है कि सामने वाले ने गलत किया क्योंकि जब आप तीसरा भी नहीं करते ना ऊपर वाला वो बुराई आपके अंदर डाल देता है कल को आप वो बुराई करोगे बेजिजक होके और आपको क्योंकि आपने सही और गलत का जजमेंट ही नहीं दिया और इमाम अली का कॉल है वो लोग जो जजमेंट नहीं देते एक जजमेंट होता है कि सबके सामने जज करना शुरू कर देना वो जजमेंट नहीं जजमेंट मतलब जो भी हो रहा है क्या ये सही है कि गलत है एटलीस्ट दिल में बुरा मानो उसके लिए प्रे कर लो ये है कुरान के अंदर है बीह दो राइट हम लोग कभी उसको कोरिलेट नहीं करते साइकोलॉजी से आज हम साइकोलॉजी से कर रहे हैं तो हम सब हिपोक्रेट क्यों बने बिकॉज हम सब इनसिक्योर हो गए हैं राइट हमको ये लगता है कि यार जैसे हम है वैसे हम बोल दें तो, तो मजाक बन जाएंगे हम माहौल में येस और नो तो हमने बोला चलो यार झूठ बोल के स्केप ले लेते हैं लेट्स लुक कूल आउट दे राइट लेट्स गो एंड ईट वट वी डोंट लाइक टू ईट लेट्स गो एंड वेयर वी डोंट लाइक टू वेयर लेट्स गो एंड डू शॉपिंग बट वी डोंट लाइक दैट शॉपिंग मुझे तो कुछ और शौक है मुझे तो आर्ट में पैसा लगाने का शौक है पर दुनिया बोलेगी सो so बोरिंग मुझे तो मूवी देखने का शौक है लोग बोलेंगे इस उम्र में वो ही। है तो है खत्म हो गई बात खलास गेम एंड राइट सो so, जो भी चीज़ का शौक है उसको एक्सेप्ट कर लो और उसके लिए अब अब आ जाते हैं वही बच्चे की तरह कि उसने झूठ बोला क्यों तो वो बड़े ने हिपोक्रेसी क्यों की हम लोग हिपोक्रेट क्यों बन जाते हैं हमको लगता था बहुत भारी वर्ड है और खुदा नाराज होता है हिपोक्रेट से राइट तो इसका मतलब है अगर हम सोचो एक मिनट के लिए अगर हम जो हमारा दिल गवाही नहीं देता जिस चीज की वो करते हैं तो यार खुदा नाराज हो जाता है इतनी बड़ी बात। तो हिपोक्रेट कौन होता है जो इनसिक्योर होता है जो बोलता कुछ है और दिल में कुछ होता है जो करता कुछ है और दिल में कुछ होता है खुदा हिपोक्रेट को पसंद नहीं करता तो इसका मतलब है खुदा जो बोले कुछ करे कुछ उसी को पसंद नहीं करता और अगर हम लोग वो हैं तो खुदा हमको पसंद नहीं करता फिर वी कैन नॉट से दैट वी आर द यू यू नो नो ऑफ गॉड उस पर क्यों ईमान रखते हैं ये और नो राइट तो मतलब है कि इसको खत्म कैसे कर सकते हैं लेट्स टॉक अबाउट इट ये इंपॉर्टेंट बात है इन सिक्योरिटी को ख़त्म कैसे करें और हम लोग इस बारे में एक दो बुक्स उठा चुके हैं पहले बट लेट्स टॉक अगेन हम भूल जाते हैं सो गुड आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया है हर इंसान इनसिक्योर होता है इसलिए वो झूठ बोलता है राइट इसलिए वो पोर्ट्रे करता है हम इनसिक्योर क्यों होते हैं शहनाज वाला शाहरुख खान से किसी ने पूछा वाई डू यू वर्क सो हार्ड तुम इतने अमीर हो गए खान ऑफ द खान हो वन ऑफ द रिचेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स हो उसने क्या जवाब दिया पता है? उसने बोला मैं इतना गरीब था कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं था एंड आई With very much struggle got a chance because I did not belong to a big family मैं कपूर या ए बी सी एक्स वाई जी नहीं था उसने बोला मेरे को डर लगता है क्योंकि बचपन से ये डर मेरे साथ है कि मैं गरीब ना हो जाऊँ मैं गरीब ना हो जाऊँ तो मैं ज्यादा वर्क करता हूँ मैं कम सोता हूँ मैं बारह की जगह अठारह घंटे काम करता हूँ मुझे इंजरी हो जाती है डॉक्टर बोलता है हफ्ते आराम करो मैं तीन दिन बाद लगता हूँ तो ये लेट्स क्लाफ ऑफ मनीरा थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन टू जैसमिन के आपका जो बचपन में चला गया होता है ना वो बचपन तक चलता है अभी इन अ जोक्स है तो एक शेर बन गया बचपन से पचपन तक राइट बट आपको ये लिख लो दिस इज अ पॉइंट दैट एम्पावरमेंट में आप सबको अपने आप से पूछना है क्या कोई ऐसी चीज है अच्छा डोंट स्टार्ट बिकमिंग एंग्री या बुरा भुला अपने सीनियर्स को जो शायद दुनिया में रहे भी ना हो क्योंकि आप सिक्सटी हो गए तो आपके पुराने वाले ऊपर से आपको देख रहे होंगे और ऊपर से इंपावरमेंट ले रहे होंगे और बोल रहे होंगे यार ये अब हमें बुरा बोलेंगे कि हमने राइट तो अच्छा नहीं तो हमेशा अच्छा बोलना ठीक है तो क्योंकि जो भी हमारे गए उन्होंने भी हमारे लिए बड़ा सेक्रीफाइस दिया इसलिए आज हमें राइट और हर आदमी में बुराई होती है बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं है ना हम है लेकिन आपको न्यूट्रल होकर ये देखना है कि कोई ऐसी चीज थी जो आज भी आपको बक करती है ये और नो रेज यू हैज इफ यू ऑल आर विद मी राइट तो हम पॉजिटिव होके बात करें हम क्रिटिक होने की बात नहीं करें किसी की बुराई करने से कुछ नहीं होता बट किसी की मुश्किल से समझने से आपका फायदा होता है मौल ने कहा ना कि होशार आदमी वो है जो कि दूसरों की गलती से सीख ले क्योंकि आप दूसरों की गलती से नहीं सीखोगे तो कुदरत आपको आपकी गलती से सिखाएगी और वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा यस और नो तो दूसरे की गलती से सीख लो ठीक है बहुत दफा दूसरों की फाइट्स हो जाती है दूसरों के साथ ऊपर नीचे होता है हम क्या करते हैं हम गॉसिप शुरू कर देते हैं यू नो वी आर द स्मॉलर पीपल वही कहावत है ना चीप पीपल टॉक अबाउट पीपल गुड पीपल टॉक अबाउट आइडियाज एंड एक्सीलेंट पीपल टॉक अबाउट विजन राइट तो जो सबसे नीचे वाले लोग होते हैं ना वो अक्सर बात करेंगे अरे पता है उसके साथ क्या हुआ क्यों हुआ आप लोग एम्पावर्ड माले आपको गॉसिप नहीं करनी चाहिए आपको सोचना चाहिए क्यों हुआ उसके साथ ऐसा राइट क्या ऐसा किया उसने इस पोजिशन में मैं होता या होती तो मैं क्या करता राइट right? आपको लर्निंग right? so में किया अबी इतना माहिर आदमी था और कुछ लोग इसको कहते हैं. एक लाख चौबीस हजार पैकंबर गए हमें नाम थोड़ी पता है किसी को पता है नाम हमे तो को मैसेज कर देना ना लेके व्हाट्सएप पे टाइप करके तो उसने अच्छा लोग सॉक्रेटी को मानते हैं प्रॉफिट बाय द सो so, सॉक्रेटी इतना आलम था कि वो एक ज़माने में फ्यूचर भी देखना शुरू कर दिया उसने और जो भी इतना टाइकून बन जाता है खुदा की ब्लेसिंग होती है वो फिर झूठ नहीं बोलता वो फिर सच बोलता तो उसने ऐसी कोई प्रडिक्शन दे दी जो उस ज़माने के बादशाह लोगों को भारी पड़ गई तो बादशाह ने बोला पकड़ लो डालो अंदर ये तो बंद करा देगा हमारी फैमिली की सारी पोल खोल देगा यू you नो know? मार दो सजाए मौत और खतरनाक तरीन सजा उसको पहले समझाया वो समझता नहीं था वो अपने चक्रों में था राइट उसने बोला मुझे जो खुदा ने एजुकेशन दी है मैं उसको लोगों तक बचाऊ तो उससे किसी ने पूछा अच्छा उसको सजा दी थी कि उसको कोबरा का वैनम पिलाया जाएगा जो खतरनाक तरीन स्नेक है और उसके वैनम पीने से होता क्या है जब आप जहर पीते हो तो आपकी जितनी भी वेन्स होती हैं बॉडी में सब में से खून ब्लास्ट होता है एक एक बेंद फट जाती है डप्ट हो जाती है आपकी और शदीद तकलीफ होती है अच्छा ये सॉक्रेटी के साथ था तो सॉक्रेटी वालों मुझे तो पता है इतने टाइम पहले से कि मेरे साथ क्या होगा तो कोई नई बात बताओ उधड़े बापरे इतना भारी आदमी तो है उसको बोला कि ये सब सो बोल मेरे को पता है बोला ठीक है ले जाओ ले गए तो उसने बोला कि तुमको सर पे कपड़ा डाल देंगे क्योंकि तुम अपनी मौत देख नहीं पाओ बोला नहीं नहीं कपड़ा नहीं डालो कपड़ा नहीं डालो मारना है वैसे ही मारो कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ और ऐड कर दो टॉर्चर में मरने से नहीं डरता राइट right? उसने बोला कि जेलर जेलर ने आउट ऑफ बिकॉज वो भी जेलर भी बोलाटी का मुरीद था यू नो ही टू बट क्योंकि बादशाह का हुम था तो पंगा नहीं ले सकता बादशाह से उसने सॉक्रेटी बोला सॉक्रेटी क्यों तुमने कपड़ा डालने से मना किया पांच दस मिनट में क्या हो जाएगा अब ये सुनने वाली बात है इसको लिख लो दिस इज वेरी बिग लर्निंग लाइफ में अकलमंद बनना है तो कैसे बन सकते हैं और लाइफ में अपना खुद का दोस्त बनना है तो कह सरटी सिखाता है वो ये कहता है देखो यार मैं तो अनपढ़ आदमी था आई वॉज नॉट इवन एबल टू अफोर्ड एजुकेशन बट मुझे किसी उस्ताद ने एक टिप दी थी जिसने मुझे सॉकेरेटी बना दिया कितने लोगों को ये टिप सुननी है रेज यू हैंड्स ऐसे थोड़ी बताऊंगा सब लोग अन वीडियो ऑन करोगे फिर बताऊंगा ना अब तो मेरे हाथ में गोटे ना चलो <laughs> तो कर दो वीडियो ऑन करो अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ गुड 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 चलो तो सॉक्रेटी ने क्या किया ऐसे ब्लैकमेल करने से दुनिया चलती है राइट रोटी कपड़ा और मकान इसी से बाहर आते हैं लोग बाहर अच्छा तो ने बोला कि यार बहुत सिंपल है पढ़ने लिखने की जरूरत और आप देखना बहुत दफा बिजनेस टाइकून्स कम पढ़े लिखे लोग होते हैं राइट अः आ... उसने कहा कि एक हैबिट बना लो कि अपने आप से सवाल पूछो बच्चा कैसे सवाल करता है कभी कह रहा बोलते कितने सवाल करता है यार ग्रो हो रहा है आप क्यों ग्रो नहीं हो रहे आपने सवाल करना बंद कर दिया आपको सवाल हेडेक एक लगता है बच्चे को हेडेक नहीं लगता बच्चा सोचे समझे बगैर पूछ डालता है उस समय मतलब अपने आपसे सवाल पूछो और उसका आंसर निकालो फिर एक और सवाल अब बोला है, सवाल इंटेलिजेंट पूछने हैं बेवकूफाना सवाल नहीं पूछने यू नो डोंट

राइट right? तो सवाल किया पूछ के पाँच दस सवाल के बाद ग्रेविटी डिस्कवर हो गई अवार्ड मिल गया राइट तो न्यूट सॉक्रेटी ने कहा ये जो दस मिनट तो मुझे कपड़ा पहना दोगे इसमें मैं देखना बंद हो जाऊंगा मुझे पता नहीं चलेगा मेरे आसपास क्या हो रहा है और कहता है मैं लोगों को देखना चाहता हूँ मैं देखना चाहता हूँ किसका क्या रिएक्शन है और उससे मेरे दिल में कुछ सवाल पैदा होंगे और मैं उस सवाल के जवाब ढूंढूंगा और उससे कोई और सवाल पैदा होंगे हो सकता है मुझे तब तक तो पॉइजन पिला दिया हो लेकिन मैं फिर एक और सवाल पूछूंगा तो मैं तो अपनी मस्ती में रहूंगा मैं सवाल पूछता रहूंगा जवाब लेता रहूंगा मुझे मर जाना है मैं मर जाऊंगा दस पंद्रह बीस मिनट में लेकिन मैं पंद्रह मिनट में अपनी एजुकेशन से यहाँ से यहाँ आ जाऊंगा तो तुम मुझे कुछ सीढ़ियां चढ़ने से क्यों रोक रहे हो कपड़ा नहीं पहनाओ मैं देखना चाहता हूँ अपनी मोरद आई डोंट वरी लेट्स फॉर दैट गाय राइट सो और रिलीजसली हमें बोला है इमाम सेड कि एजुकेशन इस दुनिया में नहीं रहेगी आप तक हमेशा रहेगी बिकॉज एजुकेशन आपके सोल में उतर जाती है येस और नो राइट सो टाइम एंड नॉलेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन दैट इमाम एक ज़माने के लोगों को कुछ और पूछा था एक ज़माने के लोगों को लड़ने को बोला था मेस्क्यूलरली स्ट्रॉन्ग बनाया था तलवारबाजी से थी आज टाइम एंड नॉलेज का हथियार दिया यस और नो राइट अब आज जाके देखो अपने इर्द गिर्द द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन योर खाने कम्युनिटीज इन योर फैमिलीज हु आर दे सर्टिफिकेट पे कौन सी जगह से आई वी लीग से किया है कोई फर्क नहीं पड़ता आई वी फेलियर्स एंड समटाइम्स मेट्रिक पास फ्रॉम येलो यूनिवर्सिटीज ये आर बिलियनर्स यस yes और नो no? ये दुनिया की सीक्रेट है क्यों क्योंकि लर्निंग और एजुकेशन का ताल्लुक ही नहीं है राइट लर्निंग इज अ हैबिट आप लोग जो आ रहे हो दो साल से दो सौ पाँच सौ लोग थे बट तीस चालीस लोग आते हैं क्यों क्योंकि वो सेक्रीफाइस देते हैं उन्होंने लर्निंग को वो प्रायोरिटी दी है मैं क्यों आता हूँ अलहमद बिकॉज मुझे खुद लर्निंग मिलती है जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो राइट right? एक ब्लेसिंग मिलती है ऊपर वाले से तो ये हैबिट बना लो लिख लो सो दैबिट इज के आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन उसका जवाब ढूंढो फिर वापस से सवाल होता अच्छा शुरू में हो सकता है आप भूल जाओगे अरे सवाल क्या पूछा था जवाब तो डूबो सवाल ही भूल के क्या पूछा था तो लिख लो या सबके पास मोबाइल फोन है गूगल की नोट्स की ऐप है लिख लो ठीक है सबको यूज करना आता है दिस इज द वे तो इसका बहुत आसान सा जवाब है हमने दो टॉपिक्स को मर्ज कर दिया आज हमारा टॉपिक था किसी को यस कैसे बुलाना और हमने आज बुक टेक्निकली शुरू नहीं भी की और पूरी ख़त्म भी कर दी क्योंकि जो बुक में छः पॉइंट थे वो आप सब ने बोल दिया तो अगर हम किसी बुक को पढ़ते हैं ना तो बहुत दफ़ा हमें चीज़ें पता होती है लेकिन उसको कंटेम्पलेट करना यानी समझना मुश्किल होता है तो जब हम इस तरह बात करते हैं ना तो हमें समझ आता है ओ हिपोक्रेसी क्या होती है हम क्यों करते हैं इनसेरिटी से करते हैं इनसेटी कैसे ख़त्म की जाए कॉन्फिडेंस रख के कॉन्फिडेंस क्या होता है कि ठीक है कोई हंसा you know, you know? तो हंसा यू नो आई ऑल्सो लाफ है नो तो पावरफुल लोग क्या करते हैं लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ सो नाम ने यस और नो अपने ऊपर हंस लिया चार लोग और रहे हैं. बुली ख़त्म करने का सोल्यूशन पता है क्या है दुनिया के साथ अपने ऊपर हंसना शुरू कर दो और सामने वाले को उल्टा करना है बुली तो हंसने के बाद अप्रिशिएट भी कर दो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था याद है तो बच्चों को सिखा देना ठीक है बहुत स्ट्रांग वेपन है नॉलेज का जो आप दोगे बेटा कल कोई बुली कर रहा है ना आपके ऊपर हंस रहा है तो अपने ऊपर हंसो बोलो ठीक है मैं ऐसा हूँ डिफरेंट मज़ा आ गया यार जबरदस्त तुम्हारा क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है मतलब ऐसे तो लोग तो मैं नहीं पसंद करते रे ये तो साला मुझे बुली कर रहा है अभी कुछ और फेंकेगा इससे पहले निकल लो यहाँ से राइट क्योंकि सामने वाले को आपने माइंड से हरा दिया ये गेम ही माइंड की है बुली तो गेम मारा मारी की है ही नहीं बुली तो गेम ही माइंड और हार्ट की है यस और नो क्योंकि हार्ट पे जो अटैक होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है और वो बच्चों को डिप्रेशन में ले जाता है क्योंकि इन्फेंसी में सिक्सटी एट परसेंट डिप्रेशन ऐसे तो नहीं आ रहा राइट बुल ही हो रहे हैं बच्चे स्कूल्स में तो हमारा एज अ सीनियर रोल क्या है कि हम सिक्सटी फाइव या सिक्सटी की एज पे तो अपना हार्ट स्ट्रांग कर रहे हैं बट हमें पता है छः साल के बच्चे का भी हार्ट स्ट्रांग करना है वो कैसे होगा कॉन्फिडेंस दिलाने से होगा और कॉन्फिडेंस दिलाने का मतलब क्या है कि तुम हमेशा सही नहीं हो गए तुम कभी कलत हो गए कभी कभार कमज़ोर हो गए एक्सेप्ट उसके ऊपर लड़ना झगड़ना प्रूफ करना कि नहीं यार मैं तो बुरा नहीं हूँ हर एक आदमी ठीक है वी आर इनडिफरेंट आपको पता है सिलिकॉन वैली अभी सिलिकॉन वैली बन रहा है यहाँ भी लेकिन सिलिकॉन वैली को सिलिकॉन वैली पैसे ने नहीं बनाया या आईटी ने नहीं बनाया कल्चर ने बनाया और उसके ऊपर बहुत लोगों ने स्टडी किया और लोगों ने कहा सिर्फ एक लाइन में बताऊं इसको लिख लो तो सिलिकॉन वैली सिलिकॉन वैली इसलिए बना कि वहां फेल होने को लोग सेलिब्रेट करते हैं फेलियर्स को लोग सेलिब्रेट करते हैं और अपने कार्ड्स पे लिखते हैं आई एम द फाउंडर ऑफ ए बी सी कंपनी बट आई फेल्ड सिक्स टाइम्स एंड दिस इज टाइम आई एम स्टैंडिंग अप टू लॉन्च अनदर कंपनी से ये कैसा आदमी है छह दफा फेल हो गए सातवीं दफा अपने कार्ड पे लिख कर आया है छह दफा फेल हुआ है तो वॉरेन बुफेट कहता है अपने इंटरव्यू में कि जो आदमी तेरह दफा फेल हो जाए ना वो मेरे पास आके इन्वेस्टमेंट ले जाए प्रूफ करे कि तेरह दफा फेल हुआ है क्योंकि वो जो तेरहवीं दफ़ा फेल होने के बाद चौदह दफा खड़े होता है ना वो हीरा है आई वॉन्ट दैट डायमंड इन रूम मैं उसके ऊपर पैसा लगाऊंगा क्योंकि वो अब देखो जो फेल होता है ना लाइफ में वो क्विट कर देता है वो तो खत्म हो गया ना खल हस गए मेरे बस का नहीं है मैं छोटे गांव से हूँ अंग्रेजी नहीं आती पैसे नहीं है मेरे घर वाले अमीर नहीं है खत्म बाबा लब का जोश नीचे आ गया राइट बट वो जो उठता है वापस फेल हो गया उठा वापस फेल हो गया उठा वापस फेल हो गया बोला छोड़ूंगा नहीं राइट वापस उठा तो सोचो उसको उठने में तकलीफ कितनी होती है दुनिया भी हंस रही है घर वाले भी हंस रहे हैं अपने अरीब करीब भी हंस रहे हैं शायद स्पाउस भी हंस रहे हैं उसका शायद बच्चे भी हंस रहे हैं उसके शायद वो खुद भी कन्फ्यूज है कि यार ये मैं जो कर रहा हूँ एक टाइम पे भरोसा छोड़ दिया सही कर भी रहा हूँ कि नहीं सभी हंस रहे हैं तो क्या करना चाहिए बोला कोई बात नहीं फिर उठूंगा ऊपर वाले ने फिर से होप दे दी राइट अब वो जब दूसरी दफा ट्राई करता है ना तो उसका एक्सपीरियंस हो गया लास्ट टाइम क्यों फेल हुआ था इस दफा नहीं करना है तीसरी दफा और दफा जो जवान का बच्चा उठ के जंग लड़ने के लिए हथियार उठाता है फिर वो सामने वाले को गिरा देता है राइट यस और नो सिलिकॉन वैली फेलियर्स को अप्रिशिएट करने की वजह से बना हमारा बच्चा या हम बुली क्यों होते हैं क्योंकि हमें कोई फेलियर याद दिला देना तो हमारे तो ईगो पे आ जाती है हमारा तो ईगो बहुत भी है कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई काला है कोई पतला है कोई मोटा है पार्ट ऑफ लाइफ किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आती किसी का एक्सेंट अच्छा नहीं है किसी की जो गाड़ी चलाना नहीं आता किसी को लोगों से बात करना नहीं आता डर लगता है है तो है मसला मेरे अंदर राइट जिस दिन आपने खुद ये सीख लिया आपसे बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी रूम के अंदर कोई होगा नहीं यस और नो डू यूर अग्री टू द पॉइंट और इसी को इमाम बोलता है एक लाइन में डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ जब तुम समझ लोगे ना कि डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है तो तुम्हें तुम्हारी वीकनेस स्ट्रेंथ बन जाएगी तुम अपने ही ऊपर हंसोगे कपिल शर्मा सबने सुना है अपनी अंग्रेजी की मजाक उड़ाता है अगर नहीं उड़ाता तो लोग उड़ा रहे होते हैं उसने खुद ने उड़ाना शुरू कर दी कर लो बुली आके नहीं आती अंग्रेजी मैं तो खुद उड़ा रहा हूँ मज़ा खत्म होगी कौन बुली करेगा आके येस और नो राइट सो लर्न फ्रॉम थिंग्स अराउंड यू सॉक्रिटी को याद रखो एंड आई थिंक सेशन वाज वेरी गुड अलहमदुल्ला थैंक यू वेरी मच इनशाला सी यू नेक्स्ट टाइम